थानों में कीरी, कोतवाली सदर और धीरा अलग अलग तिथियों में थाने पर मुकदमा 419, 420, 467 का दर्ज है। इसमें जो गेहूं क्रय केंद्र थे, जो गेहूं की बिक्री का पैसा था वो जो है जमा नहीं किया गया था, इसकी जांच पीसीएफ हेडक्वार्टर के द्वारा की गई थी और जांच के उपरांत पीसीएफ के जो वर्तमान जिला प्रबंधक हैं श्री शैलेंद्र शुक्ला जी, उन्होंने जो है तीनों थानों में अभियोग पंजीकृत कराया है, जिसमें प्रभंजन यादव और उनके साथ के जो ठेकेदार हैं जैसे कोतवाली शहर में अखिलेश कुमार हैं और भीरा में कोई रमाशंकर जो ठेकेदार हैं, अलग अलग थानों पर मुकदमा दर्ज है। कई कोतवाली सदर में तो 1 करोड़ से ज़्यादा का मामला का गबन का आरोप है, भीरा में 40 लाख के आसपास का गबन का आरोप है और खीरी में 1 लाख से ज़्यादा का गबन का आरोप है। सभी की विवेचनाएं चल रही हैं और सुसंगत साक्ष्यों के आधार पर विवेचना का निष्पत्ति निस्तारण कराया जाएगा।